इसको इसको पहले धिक्का मारा, यहाँ कटा पे इसी को, इसी को है? इसी गाड़ी को हाँ, क्या लगा हुआ साला? कुछ लगा होगा साइड में। चलो आप देखते हैं आगे, निकलो पहले आप, निकलो आगे। आप नहीं निकलोगे? निकलो आप, आया मैं। और ये शायद ये इस रोड का आखिरी स्ट्रेच होगा जो गंदा स्ट्रेच है, बाकी इसके आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये लास्ट गाड़ी है और उसके बाद रुको 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 ठहरो रुको 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 चलो 1 2 3 चलो गई, ये भी निकल गई। अब आ गई अपनी बसंती की बारी। देखते हैं दोस्तों अब ये क्या करती है। अभी तक तो कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं इसने छोड़ा जिसमें किसी इसने थोड़ी प्रॉब्लम की हो, मगर अब देखता हूँ क्यों पाँव पे स्ट्रेच चाहिए तो कटक रही है पाँव मेरे। कटक रही थी और ठीक 2 किलोमीटर के बाद अब हम सीधा सीसर मेन रोड पे लगेंगे और तब तक आप ये सुंदर नज़ारे देखिए। बाकी आगे जाके इनसे मैं बात करता हूँ कि आज का ट्रैक कैसा रहा, क्योंकि ये जो ट्रैक है हमने इस दफ़ा किया, अगर मैं इसको 10 दिन के बाद करूँगा ये बिल्कुल और चेंज हो गया होगा। ये ड्राई एरिया है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाए, गर्मी होती जाएगी तो ये ट्रैक भी चेंज होता जाएगा। कारण उसका ये है बारिश नहीं होगी, सूखा ट्रैक है, सूखा ट्रैक निकालने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गीले ट्रैक में और पस्सी के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही आती है कि जब बारिश हुई हो, गीले ट्रैक हो तो फिर तो अगर कल और इसमें बारिश हो जाती है तो ये और ज़्यादा ट्रैक गंदा हो जाएगा। इसलिए इन ट्रैक्स के बारे में बोलना कि हमने किया है वो नहीं, ये है कि वक्त वक्त की बात है, जैसा वक्त है तो उसी तरीके से चलो। आपने देखा ही होगा कि क्यों हंस रहा बच्चा अपना हाथ झाड़ रहा था, हाथ झाड़ रहा था कि जैसे कोई गरम गरम चीज हाथ में लगी होती है, थक गए हैं वो। इस
जो जो बाहर से आया याद रखेंगे इस राइड को, दोबारा मेरे कहने पे नहीं आते। चलो दोस्तों मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे भी थोड़ा मालूम था कि इतनी हार्ड राइड हो जाएगी। अब ऐसी राइड हो तो राठौर को खुश होगा ही होगा, राठौर को क्या चाहिए ऐसी राइड्स। ये पक्के पे चलने वाला मेरा कोई मन नहीं है, मुझे यही रास्ते मज़ेदार लगते। अब देखो क्यों मैं वो एक ऊपर जा रही है और बाकी सभी क्यू में अब एक दो गाड़ी पहुंची है और शानदार 12:30 एक बजे के निकले हैं, अभी तक शाम होने वाली है और शाम होने वाली है, स्ट्रेच लंबा नहीं है, ऑब्स्टेकल ज़्यादा है। और अभी जो इन्होंने सुबह का खाया पिया होगा वही है, बोल रहे थे कब मार्केट आएगी, बाज़ार आएगा, ब्लैक टॉप आएगी। मैंने कहा भाई वो अब आ गए हैं यहाँ से, या तो वापस जा सकते हैं या यही रास्ता है, और बाद में फैसला यही किया कि पकड़ो यार पकड़ो जल्दी करो। हिमालयन स्किड हो गई है, ये स्किड होने का कारण पाँव नहीं लगे नीचे, कुछ नहीं लगी नहीं है, पाँव नहीं लगे नीचे, बाकी और कुछ नहीं। कोई अगर बाप बोलोगे कि राइट या लेफ्ट में जगह डाउन है तो अभी देखते हैं आगे। उठाओ उठाओ गाड़ी को, उठाओ गाड़ी को, सीधा करो ना वो गाड़ी, तो उठाओ यार ओवर हो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। वो गाड़ी खड़ी कर दो ना, गाड़ी उठाओ, गाड़ी जल्दी खड़ी करो यार, गाड़ी को क्या देख रहे हो, गाड़ी तो वही ना, गाड़ी उठा लो ना वो। हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गाड़ी गिरी है, वो छोटा मोटा इतना सा वो कोई नहीं है, और गाड़ी को भी कोई डैमेज ना हुआ होना चाहिए। ये बाकी बाद में देखता हूँ, बुलेट थी ये बुलेट है ना ये, हाँ बुलेट है ये, बुलेट है ये, तो गाड़ी को डैमेज नहीं होना चाहिए। बाकी मेंबर्स भी ठीक है, स्किड हुए हैं। वहाँ पे क्या होगा, ये राइट टर्न था और राइट रो में जो रोड है वहाँ से डीप है, वो उन्होंने पाँव लगाने की कोशिश की होगी, पाँव नीचे चला गया और गाड़ी इनके ऊपर आ गई, वही हुआ, और कुछ ऐसा कोई कारण नहीं था यहाँ गिरने का। तो गाड़ी खड़ी कर दी, अब निकल रहे हैं। राइडर भी सेफ है, गाड़ी भी सेफ है, चलो कोई बात नहीं, चलो बाकी वाले आगे चलो। अब वो टर्न पे मोटरसाइकिल ना खड़े करो, नहीं सर जो पीछे से नीचे से आ रहा स्टीप है ना, स्टीप पे टर्न पे लगाइए गाड़ी, तो वहां थोड़ी लगेगी गाड़ी, कोई आगे जा रहा कोई पीछे जा रहा, इसलिए तो गिरा है वो। गाड़ी क्रॉस टर्न क्रॉस करने के बाद लगानी चाहिए कम से कम भी 10-12 फीट आगे। ये ब्लैक टॉप नहीं ना, ये ब्लैक टॉप हो कहीं भी लगा दो कोई बात नहीं, आगे भी रास्ता नहीं है। चलो चलो निकलो फिर यार, ऑफ रोड इसी तरीके से होती है। अब चलो चलता हूँ मैं, पेड़ है इतना छोटे से, इतना छोटे से जाता हूँ खुद ही आगे। भाई थोड़ा पीछे आ जाओ मुझे जाने दो, देखता हूँ रास्ता क्या प्रॉब्लम है। ध्यान से है ना, ध्यान से बच्चे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, चलो ऐसे ही कर लो बस, रहने दो दे दो आगे से जगह, बस निकल जाऊं।
मुझे दे दो जगह, मैं ऊपर जाके करवाऊँ हेल्पिंग की। थोड़ा आगे पीछे कर लो, बीच में ले जाओ आप गाड़ी, ऊपर राइट हैंड पे ले जाओ, अंदर जाके हेल्प करवाओ ना कुछ। झटके से, झटके से, झटका दो, झटका, झटका दो। बस निकालो झटके से, झटके से निकलेगी, ऐसे नहीं। हाँ ऐसे, चलो जी ये भी निकल गई। अब तेरे लिए है चलता हूँ, देखता हूँ क्या आगे प्रॉब्लम है। ये रास्ता है, इसी का निकल सर। पत्थर डालो चार, उतना जोर क्यों लगा रहे हो? और पेड़ ना निकला दो यहाँ पेड़ के, या पत्थर डाल लो चार साइड से, गाड़ी निकाल लो उसका क्या। निकल जाएगी, निकल जाएगी, कुछ नहीं करो। ये भी पत्थर डालो यहाँ पे, ये यहाँ पे डालो, ये इतना सा रास्ता बनाओ बस। हाँ बस ये यहाँ डालो पत्थर, बस हाँ पीछे डाल दो, यहाँ आने दो पत्थर, और एक एक लाइन जाने दो बस। टायर ऊपर से गया सीधा, ये एक एक पत्थर और साइड में डाल दो बस। ये देखो रास्ता खुद बनाते हुए निकल रहे हैं, रास्ता बह गया। ऐसे ट्रैक्स पे
निकालो, अब निकालो, एक एक करके निकालो। जाने में या बीच में जाने में गाड़ी।